देश के शीर्ष महिला बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल ने संन्यास के संकेत दिए हैं। लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली सायना ने हाल ही में रियो से लौटने के बाद घुटने की सर्जरी करवाई थी। तब से वह कोर्ट में नहीं उतरी थी और अब दुरुस्त होकर वह 15 नवंबर से शुरू हो रहे चीन ओपन सुपर सीरीज से वापसी करेंगी। इसी दौरान बातचीत में सायना ने बड़ा बयान दिया है। सायना ने कहा है कि ठीक ही है, कई लोग मेरा करियर खत्म मान रहे होंगे और सोच रहे होंगे मैं वापसी नहीं कर पाऊंगी। मेरे भी दिल में कई बार यही विचार उठते हैं कि संभव है मेरा करियर यहीं खत्म हो जाए, तो देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ भी हो सकता है जिसे हम आप अभी नहीं जान सकते। साथ ही सायना ने कहा, अगर लोग यह सोच रहे हैं कि मेरा करियर खत्म हो चुका है तो मैं बेहद खुश हूँ। एक तरह से यह अच्छा ही है, लोग मेरे बारे में बहुत सोचते हैं, संभव है अब वे ना सोचे। मेरे लिए अभी सबसे ज़रूरी है अपना ख्याल रखना और पूरी तरह स्वस्थ होना, क्योंकि यह सब बहुत पीड़ा देने वाला है। अपने जल्द संन्यास लेने की योजना के बारे में सायना ने संकेत में बताया कि वह ज़्यादा लंबी योजना बनाकर नहीं चलती, वह अभी आगामी एक वर्ष के बारे में सोच रही हैं। योजना वर्ष दर वर्ष के हिसाब से बनती है, अगले 5-6 सालों के लिए उनका कोई लक्ष्य नहीं है। भले ही सायना ने संन्यास के बाद संकेत में कही हो, लेकिन इस खबर से उनके चाहने वालों को गहरा झटका लगा है, क्योंकि सायना अभी केवल 25 वर्ष की है और उनके प्रशंसक अभी लंबे वक्त तक उन्हें कोर्ट पर देखना चाहते हैं। ऐसे में देखना है कि क्या सायना चीन ओपन सुपर सीरीज के बाद अपना मन बदलती है या फिर संन्यास की अटकलों पर मोहर लगाती हैं। देखते रहिए ATP लाइव।